हेलो दोस्तों, शनिमोर में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर 2019, बिहार दरोगा 2019, आज हम लोग 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आप लोग तरफ से बार बार कमेंट आ रहा था कि सर बताइए जो महत्वपूर्ण 100 टॉपिक है उसके बारे में कि कौन कौन टॉपिक हम पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रमुख टॉपिक का मैं नाम बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जो पहला टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो टॉपिक है ये इतिहास से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इतिहास से ही आता है अगर प्रॉपर एक सब्जेक्ट का बात किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया है। पूरे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज किया और तब मैं ये 100 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे बोला जाता है, यहाँ से हर साल एक ना दो क्वेश्चन आता ही आता है, दो से कभी कम क्वेश्चन नहीं आया है। वैदिक सभ्यता, ये सब जो है हिस्ट्री का मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, हो सके तो ये चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, इसका मुख्य जो पॉइंट है वो देख लीजिएगा, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिहार का कोई भी एग्जाम हो ये जरूर आता है यहाँ पर, ठीक। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप पिछले एक्साइज का भी जो एक्साइज इंस्पेक्टर का अभी जो फिजिकल हुआ है उनका प्रीलिम्स हुआ था इसी साल, अगर वो देखिएगा पेपर तो वहाँ से देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो महाजनपद में आपका आ जाएगा हरियक वंश से, जो महाजनपद के प्रमुख राजा लोग हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, उनकी राजधानी बन जाता है। वह क्या संगीत कराए थे, जैसे कि बौद्ध धर्म के जो संगीत या वो तो बौद्ध धर्म जैन धर्म में भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मगध साम्राज्य, मगध राज्य में जो मगध राज्य है ये बिहार वाले क्षेत्र में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो टॉपिक है हो सके तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। छोटा छोटा नोट्स, मात्र एक टॉपिक पर 10 से 5 पॉइंट बनाकर आप आसानी से इसे 1000 पॉइंट में, मीन्स की 1000 वन लीनियर में समेट सकते हैं। बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही इससे क्वेश्चन। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है उनके बारे में क्वेश्चन आता है कि किसका नेवी सबसे ज्यादा मजबूत था, कि मीन्स की जो समुद्री सेना था उसका मजबूत था, ठीक। राजा राम जो ये सब हुए, तो राजा राज जो हुए, इस सब प्रमुख जो राजा है इनके बारे में पूछ देता है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि पाल वंश हुआ, पाल वंश से भी क्वेश्चन आता है, जिसका जो संस्थापक थे धर्मपाल गोपाल थे और इनके प्रमुख जो आते हैं उसमें धर्मपाल का नाम आता है क्योंकि ये विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य, इसे भी क्वेश्चन आते हैं, जो प्रमुख राज्य है वहाँ से पॉइंट बना लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश है, जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको गुलाम वंश से ही आता है, गुलाम वंश, लेकिन आपको खिलजी वंश हुआ या आपका लोधी वंश हुआ, सबसे लास्ट वंश दिल्ली सल्तनत का आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। प्रमुख साम्राज्य से क्वेश्चन, जो विजयनगर का प्रमुख साम्राज्य, प्रमुख वहाँ का दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य हरियर और बुक का स्थापना किए थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो जो मैंने पॉइंट बताया इस पॉइंट को थोड़ा डिपली देख लीजिएगा और वहाँ से पॉइंट निकालकर आप अपना नोट्स बना सकते हैं। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन आता है, कौन से सूफी बिहार से कौन प्रमुख सूफी आंदोलन था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आता है, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य भी क्वेश्चन बनाता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है, ठीक। तो ये मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मुगल साम्राज्य के जो प्रमुख राजा थे उनके द्वारा स्थापित ये जो संस्था या उनके द्वारा बनाया गया महल, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वो कौन से शहर में स्थित है, कब बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मराठा से क्वेश्चन आता है, जो मराठा जो कि आपको टक्कर दिए थे मुगल साम्राज्य को, जो अंतिम वाला मुगल साम्राज्य था उनको टक्कर दिए थे, तो मराठा जो थे टक्कर देते रहते थे मुगल साम्राज्य को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, भारत में यूरोपीय आगमन और प्रमुख युद्ध, जो भारत में यूरोपीय आगमन हुआ था, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद बहुत से आए, जैसे आपको अंग्रेज भी आए, इंग्लैंड वाले भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, ठीक, ऐसे बहुत से आए, लास्ट में सबसे गए को, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे जो आए और जो युद्ध हुआ, जैसे कि पलसी का युद्ध हुआ, पर जो आपका सबसे वास्को डी गामा आया था, जो मौर्य राजा स्वागत किया था, उसके बाद फिर जो पुर्तगाली आए तो वो प्रमुख युद्ध किए, ठीक, अंग्रेज आए तो प्रमुख युद्ध किए, पालसी का युद्ध, बक्सर का युद्ध प्रमुख निर्णायक युद्धों में माना जाता है, फिर आपको दक्षिण राजवंश से भी युद्ध किया, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति, जो कि यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप डिटो लगा लीजिए यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो ये जितना भी मैं चैप्टर आपको करा रहा हूँ यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से बिहार का परिप्रेक्ष्य लेकर भी पूछ सकता है, ठीक। बंगाल और बिहार के प्रमुख राजवंश, जो जैसे पाल वंश हुआ, ये जो बंगाल और बिहार के प्रमुख राजवंश हुआ वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके, प्राचीन से लगाकर मैं आपको मॉडर्न तक पूछ रहा हूँ, ये बन जाता है आपको बिहार और बिहार से प्रमुख राजवंश से क्वेश्चन। मैसूर और तथा सिखों की संधि, जो मैसूर और सिखों के साथ संधि किए थे अंग्रेज द्वारा, ये प्रमुख संधि पूछ सकता है, प्रमुख युद्ध पूछ सकता है, ठीक, ये भी पूछ सकता है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह और तिथि कब हुआ था और उनके नेता कौन थे, तो प्रमुख विद्रोह भी पूछ सकता है, उनके तिथि और उनके नेता भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को पॉइंट बना लीजिएगा, ऐसे जो चैप्टर इसका पॉइंट बनाकर 10 क्वेश्चन कम से कम इससे निकालकर वन लीनियर में लिख लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम हॉल में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रमुख आंदोलन, अनशन तथा तिथि और उनके प्रमुख, जो भारतीय आंदोलन हुए थे प्रमुख स्वतंत्रता के लिए, कब हुए थे, क्यों हुए थे, किस कारण से हुए थे, अब उनके प्रमुख नेता कौन थे, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है।
प्रमुख प्रथा का अंत, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, उनके अंत में कौन कौन थे, कौन योगदान था सबसे बड़ा नेता, उसमें गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके अधीन किया गया कार्य, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अधीन किया गया कार्य क्या है, सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक, लॉर्ड मैकाले इंग्लिश के जन्म यहाँ पर जो अप्लाई किया इंग्लिश भारत में, उनका जन्मदाता बोला जाता है। तो ऐसे कर पूछ सकता है कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर। लॉर्ड डलहौजी जो रेल की शुरुआत किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था, तो क्वेश्चन आ सकता है। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये प्रमुख जो बिंदु है वो गवर्नर जनरल से रिलेट कर आप याद रख सकते हैं। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता और उनका योगदान, जो प्रमुख नेता है और उनका योगदान, इसके बारे में ये है। ठीक, महात्मा गांधी का 150वां जन्मदिन है। मैं महात्मा गांधी पर एक प्रमुख वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस बार डिट्टो मन लगा लीजिए कि दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन प्रमुख आने वाला है महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी का तो आपका सत्याग्रह ही शुरुआत हुआ था बिहार से, भारत में सत्याग्रह कहां से हुआ था, तो बिहार में पश्चिमी चंपारण से नील खेती के विरुद्ध हुआ था, ऐसे क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर सामाजिक सुधार के नेता और संगठन, जो सामाजिक सुधार वाले नेता थे, जैसे सामाजिक सुधार वाला में जैसे कि सती प्रथा के अंत करने में आपको, ठीक है, जो इनका योगदान था राजा राम मोहन राय का, राजा को उपाधि उनको अकबर द्वितीय ने दिया था। ऐसे जब नोट्स बनाइएगा ना, तो कुछ उनके सुधार के नेता, उनके संगठन कब बना था, संगठन, ये सब आपको याद करना चाहिए। ये सब जो है कि हर एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे ही देता है। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, जो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जैसे महात्मा गांधी पर क्वेश्चन बनेगा था, ऐसे बोलेगा महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो बेलगांव के किए थे, जो कि 1924 में किए थे, जो कर्नाटक में स्थित है बेलगांव। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और उनके द्वारा प्रमुख किया गया कार्य, कौन से अधिवेशन में जो विभाजन हुआ गरम दल नरम दल का, कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग का था, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, भारतीय इतिहास के प्रमुख पुस्तक तथा उनके लेखक, जो भारतीय इतिहास के प्रमुख पुस्तक है प्राचीन से लेकर मॉडर्न तक, याद रखिएगा, और उनके लेखक का नाम, जो प्रमुख प्रमुख पुस्तक है वो याद रखने की है। अब यहाँ से हम संविधान स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए संविधान में क्या याद करना है, तो संविधानिक विकास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर साल बना हुआ है क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो उस समय आपको दिखाऊंगा। ठीक, जो संविधानिक इतिहास है वहाँ से 1892 का एक्ट से क्वेश्चन दे देता है। ठीक, अलग अलग एक्ट से क्वेश्चन दे देता है, तो आप जरूर याद रखिएगा। प्रस्तावना और प्रमुख शब्द, प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, ऐसे कर जो स्टार्ट होता है, या हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, मीन्स की सारा शक्ति हम भारत के लोगों में नहीं था, तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसका जो समाजवादी उठा देता है, कितने कुछ एग्जाम में समाजवादी का मतलब पूछ लेता है, कितने एग्जाम में पंथ निरपेक्ष का मतलब पूछ सकता है। ठीक, हमारा जो देश है पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है, यह भी पूछ सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। संघ और उसके राजक्षेत्र, संघ और उसके राजक्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अभी कितने हैं, तो 18 हो गए हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना है उनके अभी राज्यपाल से मैं कल टेलीग्राम पर डाला था, उन दोनों का राज्यपाल बने, 4 राज्यों का राज्यपाल नए बनाए गए हैं, जैसे गोवा का मलिक साहब को गोवा का राज्यपाल बना दिया, वैसे राज्यों का अलग अलग राज्यपाल बनाए गए हैं, तो कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और कितने राज्य है, उनके राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है। नागरिकता सिटीजनशिप से, देखिए सिटीजनशिप से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि कहाँ डबल नागरिकता है, कहाँ एकल नागरिकता है, भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में नागरिक होने के लिए क्या क्या चाहिए, कितने दिन यहाँ निवास होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये 3 चैप्टर, देखिए ये जो आपका चैप्टर है ना, ये वाला, ये चैप्टर इतना भी आई है कि ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन यहीं से निकालता है। जैसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, हमारे संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, तो मूल अधिकार, DPSP, राज्य के नीति निष्ठा तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये जो है यहां से क्वेश्चन बन जाता है, एकदम बना है क्वेश्चन और बनता ही क्वेश्चन है। देखिए 8 से 10 क्वेश्चन आपको संविधान से आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 10 ही 12 चैप्टर मैंने ऐड किया है, जहां से आप पढ़ लेते हैं तो वो पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है, अभी उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है। तो ये क्वेश्चन बनता है ना कि हमारे जो राष्ट्रपति अभी के हैं वो कौन से रैंक के राष्ट्रपति हैं, हमारे उपराष्ट्रपति वो कौन से रैंक के उपराष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है आप देखेंगे तो। और ये क्वेश्चन बनता है संसद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ देख सकते हैं संसद में लोकसभा और राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति भी आते हैं, राष्ट्रपति अलग कर दिए हम। तो यहाँ पर बनता है लोकसभा में कितने अधिकतम हो सकते हैं, राज्यसभा में कितने अधिकतम होते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, राज्यसभा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। कौन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का कौन अध्यक्ष होता है, क्वेश्चन आता है। मंत्रिपरिषद तथा केंद्र के प्रमुख मंत्री, जो मंत्रिपरिषद है इसके प्रति उत्तरदायी होता है, कौन से मंत्री कौन से, जैसे कि बिहार से भी दे सकता है, बिहार का जो विधानमंडल, बिहार में भी कौन मंत्री किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक, कौन से उनको मंत्रालय दिया गया है, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, राज्य विधानमंडल में आ जाएगा बिहार, बिहार में कौन से, तो दो वाला है, इसकी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो यहाँ पूछ सकता है कि वैसे कितने राज्य हैं, या बिहार में क्या बिहार भी वैसा है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसे अब चैप्टर नहीं ये छोड़ना चाहिए। राज्य विधानमंडल में विधानसभा की कितनी सीट है, विधान परिषद की सीट कितने हैं, हमारे राज्यपाल अभी कौन है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। और इनसे जो थ्योरी निकलता है वो भी आपको देखना है, ये बस मैं जो बोल रहा हूँ वही नहीं, ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को आपको देखना चाहिए। ठीक,
संघ और राज संबंध, संघ और राज का संबंध क्या है ये आपको पता। आपात की व्यवस्था, आपात व्यवस्था जरूर याद रख लीजिएगा, इसमें ही आपात व्यवस्था, तीन प्रकार के आपात व्यवस्था आप याद कर सकते हैं। जैसे आपको राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत, ऐसे कर आपको याद रखना चाहिए। ठीक, न्यायपालिका, न्यायपालिका में कौन कौन आ जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय आ जाएगा, उच्च न्यायालय आ जाएगा, और प्रमुख न्यायाधीश इनके जौन जौन है। जैसे बिहार का भी पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने, अभी फिलहाल बने हैं, मैंने बताया भी था, वो पूछ सकता है, उनका नाम पूछ सकता है। जो पटना उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनता है जरूर आपको पॉइंट बनाकर याद रखना चाहिए। स्थानीय स्वशासन, यहाँ पर देखिए, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। जैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, बिहार में कब वो लागू हुआ था, बिहार में जो स्तरीय, तीन स्तरीय, दो स्तरीय क्या है, ठीक, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इनका प्रमुख जो आय का स्रोत है ये पूछ सकता है क्या है। ठीक, चलिए 6वां पॉइंट देख लीजिए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अभी 17वां लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें उसका क्या भूमिका था, निर्वाचन आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, ये पूछ सकता है। ठीक, और भी प्रमुख संवैधानिक संस्था जैसे यूपीएससी हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष पूछ सकता है। ठीक है, अभी जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक हो गए, महाधिवक्ता, महा, ये सब जो है ना, ये संवैधानिक संस्था है और इनके प्रमुख का नाम आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि नीति आयोग हुआ, ये तो संवैधानिक संस्था नहीं है, इसकी संविधान में इसका नहीं है। ठीक, लेकिन नीति आयोग के प्रमुख का नाम पूछा था, आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष ये पूछा हुआ था पिछले बार, आप 2017 में जब दिए होंगे, 2017 वाला 18 में हुआ था, 11 मार्च 2018 को एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अगला देखिए मुख्य पॉइंट, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, ये सब जो है शुरुआत वाला जो अनुच्छेद है, जैसे फंडामेंटल राइट का हर अनुच्छेद पर होने, अनुच्छेद 23, 24, 21, ठीक, ये सब अनुच्छेद जो ये याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 352, 360, 368, यहाँ पर देखिए 378, ऐसे कुल जो अनुच्छेद है आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो जो भी अनुच्छेद है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मैं एक लिस्ट बनाकर आपको दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा, और मैं आपको वीडियो भी बनाकर उस पर बता दूंगा। ठीक, कितने भाग है, कितने अनुसूचियां है, कौन सा अनुसूची में कौन सा प्रावधान रखा गया, ये आता आता है। भारत की स्थिति और विकास, यहाँ पर देखिए आकार जो हुआ, देखिए वीडियो काफ़ी 20 मिनट से कम नहीं लंबा होगा, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि 100 मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, साथ में आपको कैसे पढ़ना ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो भारत की स्थिति और आकार, भारत की स्थिति और आकार से आपको, जैसे कि भारत का सबसे दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी बिंदु क्या है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से बीच से होकर गुजरती है, कौन सी ऐसी राजधानी है जिससे समीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्या बिहार से होकर गुजरती है, या बिहार के क्षेत्रफल क्या, ऐसे अब भारत की स्थिति जब देखिएगा तो उसमें अपना राज्य भी देख लीजिएगा। ठीक, तो साथ में देखिएगा भारत के भौतिक स्वरूप, भारत में क्या है, भारत में जो हिमालय है, भारत में आपका मरुस्थल है, बिहार भारत में जो स्थल खंड है, भारत में जो टापू है, भारत में जो, ऐसे आप जरूर याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो स्थलीय भौतिकी स्वरूप है भारत का, वो सबसे ऊंची चोटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप देखिएगा तो हर साल क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, भारत के प्रमुख नदियाँ, उन पर बने प्रमुख बांध है, उन पर बने प्रमुख बांध है, और उनकी सहायक नदी, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है, जिसे कोसी नदी के बारे में आ जाएगा, बिहार की शोक नदी बोला जाता है। ठीक, उन पर कौन सी बांध बनाया जा रहा है, अभी दामोदर नदी को बोला जाता था पश्चिम बंगाल के बांध, लेकिन कौन सा उस पर बांध बनाया गया, जो अभी सरदार सरोवर के ऊपर कौन सरदार सरोवर बांध है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार सरोवर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगाया गया है, वो किसके समीप, किस नदी के समीप लगाया गया है, किस बांध के समीप, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद करना चाहिए। भारत में मृदा, कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, वनस्पति और जलवायु, ये क्वेश्चन आपको एक ही तीनों साथ याद रख सकते हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट बनाकर 20 पॉइंट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, जनसंख्या, ऐसा कोई साल नहीं हुआ है कि तीन क्वेश्चन नहीं आया है, तीन से अधिक क्वेश्चन आया, कभी कभी 7 क्वेश्चन आ चुका है, 5 क्वेश्चन आ गया, बीपीएससी देखिएगा तो बिहार दुर्गा में 3 से कभी कम क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, बिहार से रिलेटेड और केंद्र से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड पूछता है, तो ये जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैं जल्द ही इसे खत्म कराने वाला हूँ आपको। प्रमुख हाईवे, रेलवे तथा जलमार्ग और नदियों के किनारे बसे शहर, ये जो है आपका 100 टॉपिक है, प्रमुख हाईवे, रेलवे, जलमार्ग और नदियों, उनके किनारे बसे शहर, ये जरूर याद रखिएगा। प्रमुख हाईवे, जैसे कि पहले NH7 था सबसे लंबा हाईवे, लेकिन अब NH44 हो चुका है सबसे बड़ा हाईवे, NH47 ए सबसे छोटा हाईवे, ऐसे आपको हाईवे याद करना है, जो ग्रांड ट्रक रोड कराता है, जो कि सर ससुरी बनाए थे, वो कौन से हाईवे है, सबसे लंबा हाईवे, सबसे मतलब ये पूर्व से पश्चिम कौन जोड़ता है, ठीक, कौन कौन हाईवे मिलकर जोड़ते हैं, तो ऐसे याद करना चाहिए। प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि सबसे स्वच्छ पूछ रहा है, कहाँ सबसे कहाँ ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ सिर्फ महिला ही है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे रेलवे को करंट अफेयर में भी याद रख सकते हैं, रेलवे जोन कितने हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, जैसे पटना किस किनारे बसा है, भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपका, बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद करना चाहिए। प्रमुख उद्योग क्या है भारत में, और खदान, ठीक, और उनके उनसे संबंधित शहर, ठीक, तो प्रमुख उद्योग, खदान और उनसे संबंधित शहर का नाम भी याद रखिएगा। ब्रह्मांड और सौरमंडल, जो यहाँ पर देखिए ये विश्व ज्योग्राफी, यहाँ से शुरुआत होता है, ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चन, डिट्टो एक क्वेश्चन आने वाला है,
और ये मैं आपको चैप्टर बहुत खूबी से अच्छे से कराने वाला हूँ, क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्षांश, देशांतर, समय रेखा, दिनांक रेखा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्षांश, देशांतर, समय रेखा और दिनांक रेखा, और पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, घूर्णन गति जो होती है उसके कारण क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या बनता है, ये भी आपको आता है क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्रमुख चट्टानें, ये दोनों एक साथ पढ़िएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़िएगा तो उसको कैसे उसका विवेचना किया गया ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी में जब निकलते हैं तो उससे जो ज्वालामुखी का गर्म, जो गर्म निकलता है लावा, वो ठंडा हो जाता है तो अग्नि चट्टान बनता है। अग्नि चट्टान से फिर टूट फूट कर जो पता है एक जगह अवसाद के रूप में पड़ता है, अवसाद से फिर कायांतरित होता है, फिर कायांतरित से मीन्स की जो चट्टान का साइकिल है वो बदलते रहता है। चट्टान में दे सकता है कि आपको अलग अलग चट्टान के नाम पूछ सकता है, उसका पूछ सकता है या कायांतरित है कि कौन है, अवसादी चट्टान है, ठीक ऐसे पूछता है। तो ये भी याद रखिएगा, भूकंप और जलवायु और प्रमुख आपदा, जो भूकंप, जलवायु, ज्वालामुखी प्रमुख आपदा है, इसके कारण क्या है, कहाँ पर ये सबसे ज्यादा होते हैं भारत में, अभी लेटेस्ट कहाँ हुए हैं, जैसे चक्रवात हुआ, चक्रवात आता है अभी फिलहाल आया था, कितने चक्रवात आपको, ठीक तो वो पूछ सकता है। विश्व के प्रमुख पठार, यहाँ पर विश्व के प्रमुख पर्वत पठार और उनके ऊंची चोटी तथा दर्रा, भारत में भी दर्रा, विश्व के भी प्रमुख दर्रा और मरुस्थल और उनके प्रमुख बिंदु, इसके प्रमुख बिंदु जहाँ भी लिखे हम इसके प्रमुख पॉइंट आप लिखिएगा, वहाँ पर पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं नोट्स में, ठीक। यहाँ पर वायुमंडल, वायुमंडल से पूछ सकता है कि आपको ओजोन लेयर है किस मंडल में है, ओजोन लेयर का जो खात्मा करे किसमें, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, बारिश किस मंडल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वायुमंडल से। जलमंडल, जलमंडल इसलिए मैंने लिख दिया कि जलमंडल में पूछ सकता है कि कितने महासागर है, कहाँ सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर और जो उसका सबसे गहरा खाई है, ये पूछ सकता है, ठीक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जलमंडल से। जलमंडल का साइकिल भी याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी पर कितने खारेपन के खारे पानी जल है, कितने मीठे है, ऐसे आपको याद रखना चाहिए। स्थल मंडल तथा उनके प्रमुख स्वरूप, ये तो ऊपर वाला चैप्टर भी आप बता सकते हैं कि जो जैसे कि भारत में जो प्रमुख शाते जो पर्वते हैं उनके जो चोटियां हैं याद रख सकते हैं, प्रमुख पहाड़ों हैं, ठीक तो ऐसे कर याद रख सकते हैं। महाद्वीप है, महाद्वीप में कौन कौन महाद्वीप बड़ा है, कौन सा छोटा महाद्वीप है, द्वीप है, महाद्वीप है, तो ऐसे कर आपको याद रखना चाहिए। विश्व में पाए जाने वाले खनिज उद्योग, जैसे कि पूछा था पिछले बार पूछा था कि एशिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा था बिहार दुर्गा में, तो ऐसे कर आप याद रख सकते द्वीप महाद्वीप ऐसे स्थल स्वरूप के बारे में। विश्व में पाए जाने वाले खनिज उद्योग और उनसे संबंधित दे दो, खनिज उद्योग है और अमेरिका में प्रमुख खनिज उद्योग पाए जाते हैं, सिलिकॉन सिटी का भी नाम आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे आपको भारत में भी याद रखिएगा, साथ साथ भारत भी करते रहिएगा, ठीक तो उनसे संबंधित देश। मानचित्र तथा उनसे बनने वाले प्रमुख प्रश्न, जो मानचित्र है उनसे बनने वाले प्रमुख प्रश्न, क्या प्रश्न देता है कि इसमें से कौन से जो कर्क रेखा से नहीं, कर्क रेखा इनमें किन से देशों से नहीं होकर पार, मकर रेखा कौन से देशों से नहीं पार होकर जाता है, कौन से देशों से पार होकर जाता है या नहीं जाता है, ये भी दे सकता है क्वेश्चन, दोनों तरीका से दे सकते हैं, ऑप्शन सेट कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आपको। तो ऐसे को ज्योग्राफी यहाँ पर खत्म होता है, ठीक। अब आता है प्रमुख आर्थिक शब्दावली इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, जीएनएनपी, ये सब होता क्या है, इसका शुरुआत कब से हुआ, दादा भाई नौरोजी क्या निकाले थे शुरुआत में, जीएनपी निकाले थे, जीडीपी निकाले थे, प्रति व्यक्ति आय निकाले थे, क्या निकाले थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आय तथा उसका इतिहास क्या है, सबसे पहले कौन निकाला था राष्ट्रीय आय, अभी कितना है, कैसे निकाला जाता है, प्रमुख विधि। नियोजन, पंचवर्षीय योजना जो है, योजना ये कौन लागू करता है, कितनी योजना हो चुके हैं, कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य हुए थे, ये याद रखिएगा। विकास तथा समृद्धि, कैसे विकास हमारा देश का होता है, समृद्धि में कौन कौन योगदान दे रहा है, ठीक ये सब याद रखिएगा। गरीबी, बेरोजगारी, ये सब प्रमुख मुद्दा है हमारे, ठीक। गरीबी, बेरोजगारी और उनके निवारण के लिए प्रमुख संस्था और उनका प्रमुख कौन है, ठीक। गरीबी, जो गरीबी है, गरीबी किस से मापा जाता है, आपको कैलोरी वाला नियम क्या कहता है कि गांव वाले और शहर वाले में कितने डिफरेंट होते हैं, कितने कैलोरी चाहिए, ये सब आपको याद करना चाहिए। जैसे ये मैं क्वेश्चन जब कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन कराऊंगा। प्रमुख बैंक तथा उनके प्रमुख और जिस शहर में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो प्रमुख बैंक है वो किस शहर में स्थित है तथा उनके प्रमुख कौन है, जैसे SBI का पिछली बार प्रमुख पूछ दिया था चेयरमैन, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। भारत में प्रमुख कर और उनसे संशोधन, तो भारत में भी GST लागू हुआ है, या भारत के जो प्रमुख कर हैं, राज्य वाले कर, केंद्र वाले कर, ठीक, राज्य के अंदर दोनों मिलकर वसूल करते हैं, ठीक। दो ऐसे कर जो हैं और उनके जो संशोधन हुआ है संविधान में, कर के जैसे GST लागू किया गया, सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, भारत में कनाडा वाला मॉडल पर लागू किया, भारत में किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया, कौन से अंतिम राज्य है, ये सब आपको याद रखना चाहिए हर एग्जाम के लिए। प्रमुख उद्योग तथा उनसे जुड़ी प्रमुख कंपनियां, जो प्रमुख जैसे टिस्को हुआ, ठीक, HTML, जो अलग अलग कंपनियां है, BSNL, जो बार बार बोला जा रहा है कि कंपनी बेचा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। प्रतिभूति बाजार और बीमा, जो प्रतिभूति बताया शेयर मार्केट है और बीमा वाला क्षेत्र है, वहां से क्वेश्चन बनता है। बजट, बजट से एक दो क्वेश्चन बनता है, तो आपको मुख्य मुख्य पॉइंट आप याद रख सकते हैं बजट में, ठीक। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथा उनका प्रमुख और वहाँ स्थित, कहाँ स्थित है, ठीक। जो राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसे कि आप यूनो आप बोल सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बोल सकते हैं, IMF बोल सकते हैं, अलग अलग जो है ये ILO बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो प्रमुख है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और राष्ट्रीय भी संस्था, हमारा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ठीक, समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ठीक, इसरो कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों और उनके प्रमुख और कहाँ पर स्थित है, हो सके तो याद कर लीजिएगा, अभी समय है, अच्छे से एक दिन में भी दो आपका पॉइंट खत्म कर रहे हैं तो आराम से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर भौतिकी आता है, मापन और मात्रक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मात्रक और मापन से,
एक मापन मात्रक को दे सकता है, किसमें मापा जाता है गति तथा उनसे जुड़ी नियम जो न्यूटन के नियम है गति है, क्या फॉर्मूला उससे निकलता है, कौन गति से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं, आप चाहते हैं 2 घंटा का चैप्टर ही ये खत्म कर सकते हैं। ठीक, और दोबारा रिवीजन आधे घंटे में कर सकते हैं। बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा के मात्रक क्या है, ठीक, तो कैसे इसको रूपांतरण किया जाता है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो ऊर्जा का ये ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, ये कौन से नियम कहलाते हैं, कौन दिए थे। उष्मा तथा उनके रूपांतरण करने का तरीका, जो उष्मा है टेम्परेचर है, ठीक, केल्विन में अलग अलग, उसमें जो रूपांतरण करने का तरीका भी याद रखिएगा। तरंग तथा प्रकाश, यहाँ उष्मा और तापमान भी लिख सकते हैं, तापमान तथा उनका जो जैसे टेम्परेचर जो सेल्सियस में होता है, सेंटीग्रेड में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, ये बदलने के लिए दे सकता है। तरंग और प्रकाश और ध्वनि, ये तीनों एक साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि तीनों में तरंग आती है, तो तरंग पढ़ लीजिएगा, फिर प्रकाश आप ध्वनि पढ़ सकते हैं। प्रकाश एक अलग चैप्टर भी बनाकर आप पढ़ सकते हैं, अलग टॉपिक भी, यहाँ से मुख्य नोट्स पॉइंट बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आँख के बारे में भी थोड़ा विषय आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर बायोलॉजी में नहीं पढ़ते तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा से क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा से क्वेश्चन बनता है। नाभिकीय भौतिकी में संलयन और विखंडन क्या क्रिया कहलाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक, आधे घंटे का कम से कम आपका वीडियो ये बन गया है। यहाँ पर गुरुत्व तथा उनके नियम, गुरुत्वाकर्षण और उनके नियम, कहाँ पर जो गुरुत्व सबसे कम लगेगा, पृथ्वी के कौन से बिंदु पर लगेगा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, ये सब क्वेश्चन बनता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को जरूर आपको ऐसे पॉइंट याद रखना चाहिए। पदार्थ और उसके प्रकार, ये केमिस्ट्री में हो जाएगा, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना, जो परमाणु के नाभिक में कौन होता है, परमाणु के, ये सब क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक, धातु, अधातु और मिश्र धातु का नाम दे देगा, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है। ये कार्बन तथा कार्बनिक रसायन, कार्बन और कार्बन आइसोटोप और कार्बनिक रसायन के बारे में पूछ सकता है। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पूछता है, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। ठीक, और ये पूछ सकता है कि कैसे इंडिकेशन इसको किया जाता है। बहुलक और रेशे के बारे में पूछ सकता है। ईंधन, उर्वरक और अपमार्जक, उपमार्ग नहीं अपमार्जक होगा यहाँ पर। ठीक है, ईंधन, उर्वरक और अपमार्जक एक साथ आप पढ़ सकते हैं। ठीक, प्रमुख रासायनिक सूत्र तथा उनका उपनाम, जो प्रमुख रासायनिक सूत्र नीला थोथा दे देगा, प्लास्टर और पेरिस दे देता है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उनका उपनाम पूछ सकता है या उनका सूत्र पूछ सकता है। ठीक, विटामिन तथा उनका स्रोत तथा उनसे संबंधित रोग, ये बायोलॉजी से आपका स्टार्ट होता है। विटामिन, विटामिन कौन कौन विटामिन होते हैं प्रमुख, जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन किस कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और उनका स्रोत क्या है, जैसे विटामिन सी का स्रोत सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, ऐसे उनका स्रोत पूछ सकता है, और उनसे कमी के होने वाले रोग पूछ सकते हैं, उनसे संबंधित जो रोग होते हैं कमी के कारण हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिका तथा उत्तक और संबंधित उससे प्रमुख बिंदु, कोशिका से उत्तक से प्रमुख बिंदु, ठीक, कोशिका के जो भाग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो बन सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, एटीपी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 87, जीवों का वर्गीकरण तथा उनका वैज्ञानिक नाम, जीवों का वर्गीकरण और उनका वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो जीवों का वर्गीकरण ने किया था, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे कि दे सकता है कि काऊ का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस हम लोगों का वैज्ञानिक नाम है मानव का। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनता है आपका। मोर का क्या नाम है। पादप तथा उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु, पादप, पादप जैसे कि पौधे वाला और उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु, तो याद रखते जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या उत्तक होता है जो पादप में होता है। ठीक, तो ऐसे याद रखिए। कंकाल तंत्र और मानव शोषण तंत्र एक साथ पढ़ लीजिएगा, कंकाल तंत्र और मानव शोषण तंत्र। कंकाल तंत्र में आप पढ़िएगा कि खोपड़ी में कितने हड्डी होती है, जबड़े जो होते हैं मजबूत, और ये आप क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ये क्वेश्चन यहाँ से कंकाल तंत्र से बनता है। ठीक, प्रमुख ग्रंथि तथा उनसे निकलने वाले हार्मोन, प्रमुख जैसे थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, प्यूटरी ग्लैंड आप याद रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये बना है। प्रमुख रोग और कारण, प्रमुख रोग कैसे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फफूंदी से, यहाँ से, और उनके कारण क्या होते हैं, ये भी पूछ सकता है किसके कारण वो होते हैं। प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख आविष्कार क्या हुआ है और उनके आविष्कारक कौन है। प्रमुख यंत्र के बारे में पूछ सकता है, उसे क्या मापा जाता है। ठीक, खेल और संबंधित उनसे प्रमुख बिंदु, खेल और संबंधित बिंदु, इसे आप करंट अफेयर से भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब आप क्रिकेट देखिएगा तो क्रिकेट आप करंट, जैसे क्रिकेट में बल्ला कितने, आपका जो विकेट, दोनों विकेट के बीच का जो रहता है गैप, वो कितने का होता है। ठीक, तो और इनसे संबंधित जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, अभी के खिलाड़ी, करंट अफेयर, ये दोनों तीनों एक साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक, प्रमुख प्रमुख हिंदू से प्रमुख प्रमुख शब्दावली आता है। बिहार, अब बिहार के लिए स्पेशल देखिए, बिहार के स्पेशल हम वीडियो करा रहे हैं, अभी तक 10-11 वीडियो करा चुके हैं, तो बिहार का वो शुरुआत रहेगा, अभी फिलहाल बंद किए हैं क्योंकि 3 दिन से मुझे बहुत काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है, तो इसलिए हम बंद कर दिए हैं, लेकिन मैं बिहार का एग्जाम आते आते बिहार का पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, आप अच्छे से, बिहार का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। भारतीय तथा विश्व में सबसे लंबा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा, भारत में भी और विश्व में भी सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये आपको प्रमुख याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक, भारत तथा विश्व में सबसे पहला, भारत में सबसे पहला जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कौन से राष्ट्रपति हुए, पहला कौन सा ये बना विश्वविद्यालय, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और विश्व में भी बनते हैं, तो ये यहाँ से याद रख सकते हैं, ये सब विविध में आते हैं। प्रमुख त्यौहार और लोक नृत्य और उनसे संबंधित राग, प्रमुख त्यौहार जैसे जो कहाँ के त्यौहार है, प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक, और उनके उनसे संबंधित राज, ये याद रखिएगा। प्रमुख सम्मान,
प्रमुख सम्मान जैसे कि अभी भारत रत्न आपको मिला, अभी जो अभी क्या बोला जाता है जो विश्व में आपको मिलता है नोबल पुरस्कार, उससे कौन कौन मिले नोबल पुरस्कार, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है नोबल पुरस्कार से, एकदम डिटो लिख लीजिए क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि नोबल पुरस्कार जब भी इस समय एग्जाम होता है नोबल पुरस्कार से क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक। तो नोबल पुरस्कार से आएगा किसको मिला है, उनसे सम्मानित प्रथम और अंतिम व्यक्ति भी याद रखिएगा, प्रथम और अंतिम तो जरूर याद रखिएगा, भारत रत्न व्यास पुरस्कार किसे मिला है, सरस्वती पुरस्कार यहाँ से बनता है, संयुक्त यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र यूएन है, यूएन के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, तो यूएन के बारे में याद रख लीजिएगा, और जो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है वो करंट और स्टैटिक एक साथ में पढ़िएगा तो आराम से कर लीजिएगा, तो करंट अफेयर अब आपके ऊपर है कि वो कितने भाग में आप बांटकर याद कर सकते हैं। तो ये प्रमुख 100 बिंदु थे जो आप लोग की तरफ से बार बार कमेंट आ रहा था बताने के लिए, लगभग 25 मिनट का आपका वीडियो बना है, इतना लंबा वीडियो बना है, इसे रोक कर देख सकते हैं, बाकी मैं ये जो होगा पीडीएफ ये मैं अपना टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। ये रहा प्रमुख आपका और इसे आप देख सकते हैं, जरूर दो दो टॉपिक तीन तीन टॉपिक भी खत्म करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप आराम से खत्म करिए, साथ में आपको रिवीजन भी करना है, हर एक टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा तो आपका एग्जाम निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।